देश में बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई में पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार दी तो कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% वाली सरकार का शिगुफा उछालना शुरू कर दिया। इसी वार पलटवार के बीच कर्नाटक के मंडिया में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने नोटों की बौछार कर दी। लोगों पर नोटों की ये बौछार कांग्रेस पार्टी के रोड मार्च में हुई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार कर रही बीजेपी को मौका मिल गया। By throwing notes, they are showing that the people are beggars. They think Congress party thinks people are beggars. The people will teach him. People are the real owners. We are ready. What they do, they took their own time for the Prime Minister, Home Minister, come to do and give advertisement to all the media with a lot of advertisement. Ever in the history of Indian politics, such money was not being spent for any. वार पलटवार दोनों तरफ से तेज होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को देश से भगाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है, एक लुटेरे लोगों को जो लोग भगोड़े हैं, यहाँ के पैसे लेके गए हैं, बैंक लूटे हैं, कर्जा यानी इंडस्ट्रीज के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे चंद लोग बैंकों से LIC से पैसे उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं और चंद लोग तो भाग जा रहे हैं। अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं। राष्ट्र का रोल पार्टी ऑफिस के रूप में याद होगा। हालांकि पीएम मोदी ने जब विपक्ष की एकजुटता को लेकर विपक्ष पर वार किया तो बिहार से नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। देखिए ना क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं उनकी आदत। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है। नीतीश कांग्रेस से साथ चाहते लेकिन कांग्रेस के दुर्दर्द से ही दूर रहना चाहते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर नीतीश ने बोलने से मना कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में रोज संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये और बात है कि विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए कांग्रेस लगातार अदाणी मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार के सवाल उठा रही है। संसद में रोज की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठकें हो रही हैं। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बन रही है और इस रणनीति का असर ये है कि बजट सत्र में संसद की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हो रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अब इस व्यवधान का ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ा और उनके ऊपर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया है। आज तक के लिए।